जनपद में रविवार को जिला अस्पताल सहित 116 केंद्रों पर 45 साल के ऊपर के नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज सहित 116 केंद्रों पर कोविड का टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि सुबह ही 50,000 डोज वैक्सीन आ गई है। सीएमओ ने कहा कि सोमवार को वैक्सीनेशन को बढ़ाकर 140 केंद्र कर दिया जाएगा, साथ ही ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ा दिया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील किया है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन करें, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीकाकरण कराने आए नागरिक तथा सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, अरे कृष्णा का बना रही थी। सुधा मिश्रा, कोविड का टीका लगा कैसा लगा? अच्छा लगा। सुन, पहले जब तक नहीं लगवाए थे तब तक लगता था थोड़ी बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ डर जैसा, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं, बहुत अच्छा लगा। ना कोई समस्या नहीं, बड़े आराम से लग रहा है। जो लोग नहीं लगवा रहे हैं आके लगवा लें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हो गया तो उसके बाद दिक्कत, कम से कम इसके लगने के बाद ये तो है ना कि न होने का थोड़ा चांस कम है होने का। केदारनाथ मिश्रा, लगवा तो सबको लेना चाहिए, सुरक्षा के लिए सरकार सुविधा दे रही है, इसलिए हर आदमी को आ करके लगवा लेना चाहिए टीका। अपील करना चाहेंगे आने लोगों से? सबसे यही अपील है कि सब लोग आ करके टीका अपना लगवा लें। रेणु श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल ठीक है, किसी तरह कोई समस्या अभी तो नहीं। अपील करना चाहेंगे जो लोग नहीं लगवा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो लोग क्या करें? लगवा लें और क्या करें। कहाँ से? हम हिमापुर से आए हैं, लोहिया नगर से, गोरखनाथ। असल जनपद में कितने केंद्रों पर टीकाकरण किया? आज हमारे जनपद में 116 केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है, उसमें से करीब 25 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी टीकाकरण चल रहा है। हमारे यहाँ वैक्सीन 50,000 डोज आज सुबह आ गई है, और हम आज का इसके बाद से हम ज़्यादा मात्रा में टीकाकरण करेंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा कि 15,000 ज़्यादा टीकाकरण करें एक दिन में। सर, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कोई अपील आपको देगा? हाँ, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि ये स्ट्रेन बहुत ही कंटेजियस है, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पिछली बार में क्या था कि अगर एक घर में एक पॉजिटिव है तो हो सकता है कि अगर 10 की फैमिली है तो 2-3 लोग और पॉजिटिव आते थे, बाकी लोग निगेटिव रहते थे। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि पूरी फैमिली बहुत तेज़ी से पॉजिटिव हो जा रही है। भीड़ भाड़ वाले बिल्कुल ही ना जाएँ, मास्क लगा करके बाहर निकलना है तो निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, और 2 गज की दूरी मेंटेन करें। आज हमारे 116 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा था, क्योंकि हमारी वैक्सीन की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, लेकिन आज हमारे पास 50,000 डोज वैक्सीन आ गई है, तो हमने 116 जगहों पर वैक्सीनेशन किया, और हमारे हमने करीब 6,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन किया है। कल से हमारा बृहद राउंड रहेगा, जिसमें 146 जगहों पर वैक्सीन का लगाएंगे, और करीब 16,000 का टारगेट मेंटेन करेंगे। सर, प्रदेश सरकार उत्सव क्यों नहीं मना रही है, इसको लेकर लोगों की भीड़ भी बढ़ेगी, क्या तैयारियां हैं? जी, हमारे यहाँ सभी हम लोग ट्रेन कर रखे हैं, अब एक्स्ट्रा मैन पावर लगा रखा है, और
ये हमारे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जो लोग भी आज आए हुए थे वैक्सीनेशन सेंटर पर और उन्होंने देखा, और कल से हमारा वैक्सीनेशन अच्छा होगा।